शाम गौशाला सेवा समिति मंडल मड़ावाला की गौशाला की गांव में लंपी वायरस के लक्षण दिखने को लेकर व्यापार मंडल मड़ावाला व गौ सेवकों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। जानकारी देते हुए व्यापार मंडल मड़ावाला के प्रधान सतीश धत्तरवाल ने बताया कि गौशाला में करीब 14 गायें ऐसी हैं जिनमें उक्त बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिनकी देखरेख नानकपुर वेटरनरी सर्जन डॉक्टर विकास जागलान द्वारा की जा रही है। उन्होंने बताया कि व्यापार मंडल मड़ावाला के सदस्य व नवीन शर्मा, रोहताश लालप्रिय, जय सिंह नैन, नरेश ढाका, सुमेर सिंह आदि के सहयोग से इस गौशाला का संचालन किया जा रहा है, जिसमें उनके पास 100 से भी अधिक गायें हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में जहां कहीं भी उन्हें हादसे में घायल हुई गायें, बछड़े आदि मिलते हैं, उन्हें वह इस गौशाला में लाकर उपचार देते हैं और उनका रखरखाव करते हैं। सतीश धत्तरवाल ने सरकार से अपील की कि जल्द से जल्द गौ माता की रक्षा के लिए वैक्सीन हर जगह तक पहुंचाई जाए, ताकि वह इस गंभीर बीमारी की चपेट में आने से बच सके और उनके प्राण बचाए जा सके। वहीं मौके पर जानकारी देते हुए डॉक्टर विकास जागलान ने बताया कि इस गौशाला में 14 बीमार गायें हैं, जिन्हें आइसोलेशन वार्ड बनाकर अलग से रखा गया है और लंपी वायरस की पुष्टि के लिए उनका सैंपल भोपाल लैब में भी भेजा हुआ है और लक्षण होने के तौर पर उनका इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लंपी वायरस एक त्वचा से संबंधित बीमारी है जो गोवंश में पाई जा रही है। इस बीमारी को लेकर गोवंश के शरीर पर नोड्यूल्स बन जाते हैं और उन्होंने बताया कि यह नोड्यूल्स न केवल बाहरी त्वचा पर दिखाई देते हैं, यदि सही समय पर इनका इलाज न मिले तो यह गोवंश के आंतरिक अंगों में भी घर कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु तक हो जाती है। उन्होंने बताया कि हालांकि देसी नस्ल की गाय में मृत्यु दर ना के बराबर है और विदेशी नस्ल की गाय में भी 10% ही मृत्यु दर है। इस वायरस के बाद कमजोर गायों की तेज बुखार के बाद त्वचा रोग के कारण मौत भी हो रही है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी से लोगों को सतर्क रहकर और कुछ सावधानियां बरतकर अपने गोवंश को बचाना है, जैसे कि गोबाड़े में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, सुबह शाम धुआं करें और बीमार होने पर पशु चिकित्सक से संपर्क करें, अपने स्तर पर कोई भी दवाई इलाज इत्यादि ना दें और गायों की स्किन पर फिटकरी आदि का छिड़काव ना करें, इन्हें मक्खी और मच्छरों से बचाएं। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि हम सभी समाज सेवी संस्थाएं प्रशासन के सामूहिक प्रयासों से गायों को इस भयंकर बीमारी की चपेट में आने से रक्षा कर सकते हैं, इसलिए सभी बढ़ चढ़कर प्रयास करें। उन्होंने मड़ावाला व्यापार मंडल व गौशाला के संचालकों, गो रक्षकों की खूब सराहना करते हुए कहा कि इनके द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं गौओं को बचाने के लिए और जो भी इन्हें हिदायतें दी जाती हैं उनका यह पालन अवश्य करते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर विकास जागलान है और मैं यहाँ पे नानकपुर में सरकारी वेटरनरी सर्जन हूँ और अब फिलहाल हम हैं श्री श्याम गौ सेवा समिति मंडल गौशाला मड़ावाला में और हम गौवंश के ट्रीटमेंट के लिए आए हुए हैं। तो आजकल गौवंश में एक स्किन की प्रॉब्लम चल रही है जो कि अभी कंफर्म नहीं हुई है, टेस्ट इसका भोपाल लैब में भेजा हुआ है। ये लंपी संभावित केसेस हैं और इन केसेस को हम सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगर बुखार आती है तो बुखार का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, स्किन नोडुल्स बन रहे हैं उनका नोडुल्स के हिसाब से, और जो भी हमें एक्सपर्ट ट्रीटमेंट की गाय को ज़रूरत होती है उसी हिसाब से हम इसका ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और इसकी वैक्सीन भी आ चुकी है और कल से हम इसका वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे। गायों में ये ज़्यादा दिक्कत है और ख़ास करके जो विदेशी नस्ल की गायें हैं उनमें इसकी ज़्यादा सीवियरता देखी जा रही है। आप देखेंगे कि ये लंपी संभावित जो बीमारी है इसमें नोडुल्स बन जाते हैं स्किन पे। और आम जन के लिए मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जो जैसे कि इस लंपी स्किन डिजीज जो बोलते हैं कई, और ये स्किन पे ही नोडुल्स दिखते हैं तो इस कारण से लोग सोचते हैं कि भाई स्किन का ही इलाज कर देंगे हो जाएगा, लेकिन जानकारी के लिए बता दूं कि जो नोडुल्स हैं ये शरीर के हर अंग में, लंग, लीवर और किडनी, इंटेस्टाइन, पेट, सब जगह इसके नोडुल्स बन जाते हैं अगर इसका समय पर इलाज ना हो तो, जिससे कि गौवंश की मृत्यु हो जाती है। देसी गायों में मृत्यु दर ना के बराबर है, विदेशी नस्ल की गायें हैं उसमें भी अधिकतम मृत्यु दर 10% तक की ही है। इसको घबराने की जरूरत नहीं है,
सबसे सावधानी की जरूरत है, तो सुबह शाम ही इसमें धुआं करने की आवश्यकता है और जागरूकता की जरूरत है। नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। अपने स्तर पे कोई अगर इलाज करता है तो केस बिगड़ने की संभावना होती है। खास तौर पे सोशल मीडिया पे कोई टोटका हो तो उन टोटकों को कम से कम इस्तेमाल करें। और एक मैं पर्टिकुलरली हाईलाइट करना चाहूँगा, गाय की जो स्किन होती है वो बड़ी सेंसिटिव होती है, और ख़ास तौर पर फिटकड़ी का छिड़काव बिल्कुल ना करें, जिससे कि स्किन फटने लग जाती है और ज़्यादा केस बिगड़ जाता है। तो इसलिए मच्छर मक्खियों का आप जिस तरह भी हो सके बचाव करें, मच्छरदानी लगाएं, पंखे लगाएं या धूल से करें, बचाव ही इसका समाधान है। अधिकतम जो बीमार गौवंश है वो 10 दिन के करीब इसका इलाज है। बिल्कुल धैर्य के साथ रखना है, ऐसा ना हो कि आज किसी से इंजेक्शन लगा लिए, अगले दिन किसी और से लगवा लिए, इससे अगले जो कोई इंजेक्शन लगाता है उसको ये नहीं पता होता कि पहले क्या इलाज हो चुका है। इन सब चीज़ों के कारण ही ये दिक्कत ज़्यादा बढ़ रही है। और अच्छी खुराक देने से भी हमने ये देखा है कि गोवंश में ये दिक्कत में सुधार आ रहा है। और हरियाणा सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और वो रेगुलर हमसे रिपोर्टिंग भी ले रही है, और कोई भी समस्या हो तो हम ऊपर भेज रहे हैं, और जितना हो सके हम छुट्टियों को वाले दिन भी रेगुलर हम सेवाएं दे रहे हैं, और सभी से हम सहयोग की अपील करते हैं। रही बात है स्ट्रे एनिमल की, जो कि गौवंश बाहर घूम रहा है जिसका कोई मालिक नहीं है, तो उसके लिए मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये एक लोकल बॉडीज का ही विषय है। जो गौवंश शहर में है वो अर्बन लोकल बॉडी अर्थात MC का एरिया में आती हैं, और जो गाँव में देहात में घूम रही हैं वो ग्राम पंचायत के प्रव्यू में आती हैं। और इसके लिए हमारा अनुरोध है कि कुछ वॉलंटियर्स भी आगे आएं और प्रशासन भी इसमें करे, तो इन जो बीमार गौवंश हैं जो घूम रही हैं उनको अगर इकट्ठा करके एक जगह, तो पशुपालन विभाग की तरफ से हम हर संभव इलाज का प्रयास करेंगे, और इसको हम सभी मिलके करेंगे। जैसे कोरोना महामारी में सभी विभागों ने और समाज सेवियों ने आगे आके इस बीमारी पे काबू पाया था, और ये भी वायरल है, अभी आगे ठंड बढ़ेगी तो ये मच्छर मक्खियाँ का प्रकोप घटेगा, जिससे ये बीमारियाँ भी कम होंगी, ये हमारी पूरी उम्मीद है। तो अब ये 1-1.5 महीने का और थोड़ी सी समस्या है, तो जल्द ही हम इसके ऊपर काबू पा पाएंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि अपना गौशाला मड़ा वाला में ये कितने गौएं जो वेंटिलेटर आपने करी रखी है? जी, ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये एक आइसोलेशन वार्ड बनाया हमने, तो जो भी संभावित गौवंश है उसको हम यहाँ अलग ले आते हैं, उनका दाना चारा पानी और देखभाल और ट्रीटमेंट जो है वो अलग चलता है। और इसके फिलहाल यहाँ पे 14 गौवंश हैं, और जो रिकवर हो जाती है उसको हम उसका ट्रीटमेंट कम कर देते हैं, सपोर्टिव थेरेपी कर देते हैं, उसको अच्छी खुराक दिलाते हैं, और जो नए केस आए हैं उनमें हम इलाज तुरंत शुरू कर रहे हैं ताकि दूसरों में न फैले, इसलिए इनको आइसोलेट कर रखा है यहाँ पे। तो डॉक्टर साहब, एक कहने में आ रहा है कि जो लुम्पी जो बीमारी जो इनका दूध होता है, तो दूध पीने से क्या लोग बड़े डर रहे हैं पिए कि ना पिए, क्या ऐसा कुछ है? नहीं जी, गौवंश गाय का दूध अमृत के समान है, और हमेशा से ही पिछले 10-15 वर्षों से शायद ही कोई इंसान होगा जो कच्चा दूध पी रहा होगा, उबाल के ही दूध पी रहे हैं, और उबाल के ही इस बीमारी के डर की कोई जरूरत नहीं है, आप उबाल के दूध पिए। इससे न सिर्फ ये, दूसरी भी, जैसे कि आपको बताऊं टीबी भी एक ऐसी बीमारी है जो कि दूध के कच्चे दूध पीने से भी लग जाती है, और भी कई जूनोटिक बीमारी, उसको जूनोटिक बोलते हैं, जो पशुओं से इंसानों में आ जाती है। तो लंपी संभावित जो ये दिक्कत है इसका भी आप दूध उबाल के पी सकते हो, किसी भी गौवंश का कोई दिक्कत नहीं होगी। जो ये हमारी विपदा आई हुई है तो इसका एक सामूहिक प्रयास बहुत अच्छा है। तो गौ सेवा जो यहाँ पे हमारे मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जब भी हम कहते हैं कि इसको ये खिलाना है, ये इसकी ये देखभाल करनी है, इसको इधर उधर बांधना है, उसके लिए बहुत अच्छा प्रयास है। और इसमें एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि हमारा जो पैरावेट स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, गांव-गांव में जाके वैक्सीन कर रही है, और यहाँ पे भी गौशाला में भी VLDA और एनिमल अटेंडेंट हमारे जो पैरा स्टाफ है वो बहुत अच्छी मेहनत कर रही हैं, और उसके लिए भी मैं उनको कदर करता हूँ, बहुत अच्छा कार्य कर रही हूँ, धन्यवाद। यहाँ पर गौशाला में आए मड़ावाड़ा में, और यहाँ पर जो गौओं की बीमारी लगी, आप क्या कहना चाहोगे?
मैं पहले तो सभी को राम राम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी मडावाला गौशाला गौ सेवा समिति मडावाला के अंदर ये लगभग 14-15 गौवे अभी बीमार हैं लंपी बीमारी से। हमारे डॉक्टर साहब हैं विकास जागलान वेटनरी सर्जन, इनकी नानकपुर ड्यूटी है, ये लगातार हमारी गायों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हरियाणा सरकार को भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो अभी गायों की बीमारी का जो टीका अभी बनाया है वो टीका डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कल इनके पास पहुंच जाएगा और ये भरपूर कोशिश करेंगे। इनकी टीम डॉक्टर विकास जागलान की टीम है, ये गायों को इस गौशाला में लग चुका है, लग चुका है अभी, ये बता रहे हैं कि इस गौशाला में वो टीका लग भी चुका है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमारे प्रधान जी हैं नवीन कुमार शर्मा जी, ये हमारी गौशाला की देख रेख बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं और मेरी व्यापार मंडल माडावाला इस गौशाला में भरपूर सहयोग कर रही है। मेरे मामा जी हैं रोहतास लालप्रिया जी, जय सिंह नैन और नरेश डाका, मेरे भाई हैं बड़े पंचकुला से आए हैं सुमेर सिंह दांगी, ये मर्चेंट नेवी में हैं अभी फिलहाल और ये भी यहाँ सहयोग करते हैं। तो मैं हमारे सभी टीम को, व्यापार मंडल की जितनी भी टीम है जो गौशाला में भरपूर सहयोग कर रही है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं स्पेशली भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु आप आओ और इस गौ माता को बचाओ। आप तो गौ के रखवाले हो और ये गौ माता एक भारत देश के अंदर गौ माता का दर्जा दिया हुआ है। तो मैं आप सब लोगों से भी विनती करता हूँ, जहाँ भी कहीं पे भी गांव में या रोड पे कहीं भी गौ बीमार मिल रही है, उसकी कोशिश करो टीका लगवाने की कि गौ माता बच जाए। और एक हमारे मडावाड़ा में या कालका एरिया पिंजौर क्षेत्र में मैं स्पेशली ये विनम्र प्रार्थना करता हूँ और मैंने SDM मैडम से भी आज बात की है कि हमारे यहाँ एक जो डेंगू की बीमारी फैली हुई है, तो मैंने SDM मैडम जी से रिक्वेस्ट की है कि इस डेंगू की बीमारी से बचने के लिए, मानव जाति के लिए इसका जो दवाई का छिड़काव करवाएं। मैं उनसे प्रार्थना की है और उन्होंने आश्वासन दिया कि एक या दो दिन के अंदर आपके यहाँ दवाई का छिड़काव हो जाएगा। देखो ये जो वायरस है ये सेम कोरोना जैसा वायरस है जो हमारे पूरे देश में जो फैली, विदेशों में भी फैली कोरोना, तो ये महामारी जो कोरोना की जो बताया कि भाई ये चाइना ने फैलाई है, वैसे ही एक वायरस है। मैं मोदी सरकार से अनुरोध करता हूँ कि ये जो वायरस जहाँ से भी फैला है और जिस परिस्थिति में भी फैला है, इसकी जाँच करवाई जाए और इसकी जल्द से जल्द जैसे कोरोना की वैक्सीन बनाई है इसकी ट्रायल करके ये वैक्सीन भी निकाली जाए। और यहाँ जो हमारे जो व्यापार मंडल है जिसके 30 प्रधान जी हैं और भारतीय गोरक्षा दल पंचकुला के ये चेयरमैन हैं, तो इन्होंने भी पूरा ये क्षेत्र के अंदर जो अच्छा कार्य कर रहे हैं और इनके साथ टीम मिलके बहुत ही सराहनीय कार्य ये जो गौशाला में हैं, हमारे लालप्रिया जी तत्पर खड़े रहते हैं, जो फीड का जो भी कैलकुलेशन जो होता है उसको पूरा ध्यान रखते हुए जो हमारी गौशाला में, एक मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे पंचकुला के अंदर 0 डेथ जो रेशो है वो हमारी गौशाला का है। इसमें व्यापार मंडल का भी सहयोग है, डॉक्टर साहब लगातार नजरें बनाए रखे हैं, उनका भी मैं तहदिल से धन्यवाद करता हूँ और व्यापार मंडल का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं खट्टर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो प्रदेश के अंदर पूरी जो व्यवस्था जो है वो किसी अच्छी मानी ये जो लीडरशिप है उसको दी जाए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर ये बहुत ही भयंकर बीमारी फैलने का जो है, तो उसको जो रोडों पे जो गौ माताएं जो घूमती हैं उनका कोई भी जो सहारा देने वाला नहीं है, इसको जल्द से जल्द सहारा मिलना चाहिए। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ और मैं आप लोगों का भी, मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मीडिया ने भी इस मुद्दे को पूरी जोर जोर से उछाला। मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।